उत्तर प्रदेश के कानपुर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां सीसामऊ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की एक पुलिस वाले से बहस हो गई। बताया गया कि वो अपने करीबी की पैरवी करने दो दिन पहले वहां पहुंचे थे, लेकिन जब उस पुलिस वाले ने पूरा मामला उन्हें समझाने की कोशिश की तो वो उस पर भड़क गए और बीच सड़क पर हंगामा होने लगा। शोरगुल सुनकर वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। सामने आए वीडियो में समाजवादी पार्टी के विधायक उस पुलिस वाले पर भड़कते नजर आए और वो पुलिसकर्मी चुपचाप खड़ा दिखा। गर्मा गर्मी बढ़ती देख वहाँ जुटे लोग इरफान सोलंकी को शांत करने लगे। विधायक जी आपको जानते नहीं, इस वीडियो के वायरल होने के बाद इरफान सोलंकी ने आरोप लगाया कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कोई मेरा तो मामला था नहीं, यही मसला है कि पिछले जो भी कांड होते हैं आदमी उसको मुझसे जोड़ देता है। लोगों के काफी समझाने के बाद विधायक वहां से चले गए। सौबात की एक बात है कि कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक जिस युवक की पैरवी करने गए थे उसके बारे में पुलिस का दावा है कि उस पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई और जिले से बाहर भेजने की प्रक्रिया भी चल रही है, लेकिन विधायक ने चौराहे पर ही दारोगा के साथ बदसलूकी की, जिसका वीडियो वायरल हुआ तो दारोगा ने थाने के रजिस्टर में घटना का ब्यौरा दर्ज कर दिया, जिसकी जाँच की जा रही है।